वेलकम टू बनो आईएएस। सो आज हम करने जा रहे हैं 2023 का पेपर सीसैट का। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई हमारे पास कि सर 2023 का पेपर कर दीजिए। हमें फॉलो करना है जीएस नॉलेज को, एलिमिनेट करना उन सारे स्टेटमेंट्स को जो इलॉजिकल हो, इरेशनल हो, थोड़े से एक्सट्रीम हो, नेगेटिव टोन हो, ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा पा रहा हो, नेगेटिव पर्सपेक्टिव हो, नेगेटिव टाइप का हो, है ना, और अगेंस्ट द कॉमन जीएस नॉलेज हो, ऐसे स्टेटमेंट्स को जनरली आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आपके आंसर्स कौन से होंगे? वो स्टेटमेंट जिसमें थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, ब्रॉड सोल्यूशन है, सोल्यूशन ओरिएंटेड है, फ्यूचरिस्टिक है और जीएस नॉलेज के हिसाब से लॉजिकल है, रैशनल है, वो सारे स्टेटमेंट ज़्यादातर आपके वही आंसर होंगे। और हम बात कर रहे हैं 90% एक्यूरेसी की। और अभी हम 2023 का पेपर देखते हैं। अभी तो आपको क्या करना है, पैसेज नहीं पढ़ना है, सीधा स्टेटमेंट्स पढ़ो, एलिमिनेट करो और आंसर रीच आउट करो। अगर आपको लग रहा है कन्फ्यूजन दो स्टेटमेंट्स के बीच में तो आप पैसेज पढ़ सकते हो मिडल ऑफ द पैसेज से, वहाँ से आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगी और वहाँ से आपका सही भी हो जाएगा। तो ठीक है, ये हमारा वो रहा। और इसको अप्लाई करने से पहले एटलीस्ट 4-5 साल के आप सीसैट के पीवाई की कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करें, उसको यूपीएससी की आंसर की के साथ कैलिब्रेट करें और एक साइकी को डेवलप करें उस अंडरस्टैंडिंग को, तब जाके आपको ये डिज़ायर्ड एक्यूरेसी अचीव हो पाएगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। रैशनल प्रैक्टिकल इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड फॉर एलोकेशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ वाटर टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। नेशनल प्रैग्मेटिक लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए फॉर वाटर एलोकेशन। बात सही बोल रहे हैं, लॉजिकल है, नथिंग, यू कैन कीप दिस टिल नाउ। ऑल रिवर सिस्टम, ऑल कहा था एक्सट्रीम, पहली चीज, शुड बी लिंक्ड एंड ह्यूज ह्यूज एक्वीफर्स क्रिएटेड। दिस हैज इट्स ओन नेगेटिव एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज एंड एक्सेट्रा, तो यू कैन एलिमिनेट दिस। वाटर चैनल्स बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन्स ऑफ वाटर डेफिसिट शुड बी क्रिएटेड। वाटर चैनल्स बिटवीन, ये क्रिएट होना चाहिए चैनल्स, मोर और लेस ये इसी तरफ जा रहा है, बट अभी आप रोक सकते हैं इसको। टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, वाटर डिमांड इन सेक्टर्स सच एस एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस्ड। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये भी एक लॉजिकल बात कर रहा है, ये भी ठीक ठीक ठाक कर रहा है, बट इसके भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं। बट आप ये देखें कि ये जो स्टेटमेंट है ये ब्रॉड है, सोल्यूशन ओरिएंटेड है ना, ब्रॉडर पर्स्पेक्टिव में बात कर रहा है कि एक नेशनल लेवल पे एक लीगल भी होना चाहिए, पॉलिसी भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए फ्रेमवर्क। सो दिस कैन बी द आंसर, यू डोंट नीड टू रीड द पैसेज इटसेल्फ। ठीक है, अगला देखते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट इम्प्लाइड इन द पैसेज, एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में, वाई ओनली ऑन रूरल एरियाज, वाई नॉट एवरीवेयर? ठीक है, नैरो पर्स्पेक्टिव, नैरो सोल्यूशन। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज द नीड ऑफ द आर। इट इज़ प्रोवाइडिंग अ सोल्यूशन बट ओनली टिल स्किल डेवलपमेंट, ओनली स्किल डेवलपमेंट पे ही दे रहा है। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स, सो वॉट अबाउट दोज हु आर नॉट स्किल्ड, वॉट अबाउट चिल्ड्रंस एंड एक्सेट्रा, एलिमिनेटेड। फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज इन रिसर्च बाय अस, अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। दिस इज रैशनल स्टेटमेंट, लॉजिकल, कुछ बहुत एक्सट्रीम बात भी नहीं बोल रहा है। बोल रहा है अटेंशन शुड बी पेड, ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ वही करो, अटेंशन पेड करो, तो दिस इज मोर लॉजिकल। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो आप पैसेज पढ़ सकते हो, फॉर नाउ दिस इज राइट। अगर सपोज कन्फ्यूजन, सपोज लेट सी द पैसेज। ठीक है, तो वॉट इज पैसेज सेइंग इन मिडल ऑफ, इट्स बिकमिंग इंक्रीजिंग क्लियर दैट ऑन मेनी रिसर्च कॉग्निटिव ability malnourished India children perform 2 or 3 times worse than the adequately nourished। nourishment पे बात हो रही है, ठीक है, working age, anemia, productivity, health, nourishment पे बात हो रही है, तो it is obvious कि जो है आपका answer सिर्फ और सिर्फ D होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। logical, rational, adaptation to climate change and mitigation response are basically the responsibilities of the government। why it is the only the responsibility of government, why not other people, other stakeholders, तो ये eliminate हो गया। Climate change causes a change in government policies regarding land use patterns in the country. Yes, it do. You can keep this, but not very much convincing. This perception of farmers are important for motivating them for taking adaptation. देखिए, risk perception important होता है. If you feel the risk of CSAT, you will work on CSAT. अब जब perception ही नहीं होगा कि CSAT tough है, difficult है, तो आप काम ही नहीं करोगे. तो of course, this perception is essential to understand. तो अभी इसको रख सकते हैं, ये लॉजिकल बात करें। सिंस मिटिगेशन इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नेगेटिव, दिस यू हैव टू एलिमिनेट। क्विक रिस्पॉन्स, मतलब
रिस्पॉन्स ज़्यादा होना चाहिए, मिटिगेशन कम होना चाहिए, तो ये एलिमिनेट कर सकते हो आप। क्लाइमेट चेंज कॉजेज गवर्नमेंट रिगार्डिंग लैंड यूज पैटर्न, इसमें और इसमें अगर चूज करना होगा तो सी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सी ही आंसर होगा, बट स्टिल इफ़ यू आर कन्फ्यूज, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन वेदर वेदर दे परसीव इट और नॉट, ठीक है, फार्मर्स आर अडेप्टिंग एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन वेदर दे परसीव इट और नॉट, ठीक है, वही आंसर है इसका। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आर रिफ्लेक्ट्स क्रूशियल मैसेज, बिजनेस दैट कॉज एमिशन मे नीड टू क्लोज डाउन और पे फॉर पॉल्यूशन इन फ्यूचर। क्लोज डाउन करना बहुत अच्छा सोल्यूशन तो नहीं है, मतलब जॉब लॉसेज एंड एक्सेट्रा, और नीदर आई मीन पेइंग फॉर पॉल्यूशन इन फ्यूचर, मतलब पॉल्यूशन करते रहो बट पे करते रहो, मतलब इट इज़ नॉट गिविंग अ गुड सोल्यूशन, सो नॉट मच कन्विंसिंग, बट लेट्स कीप दिस अभी। द ओनली सोल्यूशन वर्ड इज ओनली एक्सट्रीम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मतलब बिहेवियरल सोल्यूशन ये टाइप का कोई है ही नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है, तो ओनली नैरो करते रहा सोल्यूशन, नैरो पर्सपेक्टिव है इसका। वेटिंग टू डील विद कार्बन एमिशन अंटिल टेक्नोलॉजी इंप्रूव इज नॉट अ वाइज स्ट्रैटेजी, जब तक टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं हो रही है तब तक वेट करना तो वाइज स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बात सही है, दिस इज राइट, अभी तक राइट है। सिंस फ्यूचर टेक्नोलॉजी चेंज इज अनसर्टेन, न्यू इंडस्ट्री शुड बी बेस्ड ऑन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सो इसका मतलब तो ये हुआ कि डेवलपिंग कंट्रीज वुड बी इन डिसएडवांटेज बिकॉज दे डोंट हैव अ कैपेसिटी टू यू नो सेटअप इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन न्यू रिन्यूएबल और न्यू टेक्नोलॉजीज बिकॉज इट्स क्वाइट कैपिटल इंटेंसिव, सो ऐसे तो डेवलपिंग कंट्रीज का इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक जाएगा, कम हो जाएगा, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड सोल्यूशन। हाउ यू हैव टू चूज बिटवीन बिजनेस दैट कॉज नीड टू क्लोज डाउन, दिस इज ऑल्सो नॉट गुड, दिस इज शी शुड बी द आंसर, ठीक है, शी मोर लॉजिकल है, मोर ब्रॉड है और कुछ गलत बात नहीं बोल रहा है, यहाँ पे एक एक्सट्रीम बोल रहा है कि उनको क्लोज कर दो या पोल्यूशन के लिए फ्यूचर में पे करे, मतलब पोल्यूशन करते रहे और पे करते रहे, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। सो 11th में आपका सी होगा। नाउ गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी एंड क्योर देन प्रिवेंशन, मोर और लेस येस, इफ वी डोंट टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ, मोस्टली वी विल बी स्पेंडिंग मोर ऑन प्रिवेंशन रेदर देन मोर ऑन क्योर रेदर देन प्रिवेंशन, ठीक है, सो अभी इसको रख सकते हैं, इसमें कुछ गलत बात नहीं बोलिए, इट इज़ अ जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, वाई इट्स ओनली द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, बाकी लोग भी रिस्पॉन्सिबल है। हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो ऑन एक्सट्रीम, यू कैन नॉट डिलिनिएट एनवायरमेंट विथ हेल्थ, दे आर को रिलेटेड, राइट, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज लेड टू सम अनहेल्दी वेज ऑफ लिविंग, येस डे डिड सम, ठीक है, अब नाउ यू विल बी कन्फ्यूज कि क्या होना चाहिए, वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन या फिर लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ। अब यहाँ पे अगर आप कन्फ्यूज हो यू कैन अगेन गो टू द पैसेज, आई एम नॉट कन्फ्यूज बिकॉज आई नो कि कैसे काम करता है, यही होना चाहिए, दिस इज़ मोर ब्रॉड, दिस इज़ यू नो मोर, और यहाँ पे बहुत नैरो है कि हाँ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल की वजह से हम अनहेल्दी वेज जी रहे हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं मतलब उसके उसमें, फिर भी आपको एक बार देख लेते हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैविंग नेग्लिजिबल इफेक्ट वगैरह, इंडिविजुअल एफर्ट कैन बी परसीव्ड एज हैविंग अ नेग्लिजिबल इफेक्ट एंड देयर फोर लीड टू इनर्शिया, तो मतलब इंडिविजुअल, फिर दूसरी चीज़, इंडिविजुअल चॉइस कैन मेक डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ लिटरली एंड येट बेयरिंग अ फ्यू, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़ के देयर सीम टू बी द सेम कलेक्टिव लिथार्जी टूवर्ड्स मेकिंग, मतलब इवन इफ दे हैव अ चॉइस दे वोंट मेक इट, ठीक है, तो फाइनली कलेक्टिवली यही नज़र आ रहा है कि दे विल बी स्पेंडिंग मोर ऑन क्योर देन प्रिवेंशन, ठीक है। क्रक्स ऑफ द पैसेज, द स्कीम ऑफ यूबीआई शुड बी इम्प्लीमेंटेड वर्ल्ड वाइड एज अ वे ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, मतलब एक सोल्यूशन दे रहा है पॉवर्टी एलिवेशन का कि यूबीआई को इम्प्लीमेंट कर दो वर्ल्ड वाइड, थोड़ा सा नैरो है, मतलब ज़रूरी नहीं कि यूबीआई से आपका पॉवर्टी एलिवेट हो ही जाएगी, ठीक है, बट यू कैन कीप दिस, आई विल डेफिनेटली एलिमिनेट दिस बट स्टिल यू कैन कीप दिस, वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आर पॉलिसी डिबेट, येस वी मस्ट डू दैट, कि फूड बेस्ड न्यूट्रिशन को पॉलिसी की डिबेट में उसके सेंटर में लाना पड़ेगा, हेल्थ न्यूट्रिशन एक्सेट्रा चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसको रख सकते हो। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फूड शुड बी इम्प्रूव्ड बाय क्रिएटिंग
जीएम क्रॉप्स, जेनेटिक, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं. यू कैन नॉट रिलाई एंटायरली फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑन जस्ट जीएम क्रॉप्स. सो इसको वैसे देखा जाए तो एलिमिनेट होना चाहिए, बट यू कैन कीप दिस टुवर्ड्स एलिमिनेटेड साइट. यूजिंग मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज वी मस्ट फोर्टिफाई फूड आइटम्स विथ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स. अब ये दूसरा और सोल्यूशन दे रहा है, उसने दिया जीएम क्रॉप्स का, ये दे रहा है फोर्टिफिकेशन का. दोनों ही सोल्यूशन दे रहे हैं तो नैरो, बट सोल्यूशन तो है ही. अब देखो इसको बी को, वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ आर पॉलिसी डिबेट. नाउ दिस इज अ ब्रॉडर पॉलिसी परस्पेक्टिव, उसके अंदर एग्जीक्यूशन भी आएगा, उसके अंदर लीगल फ्रेमवर्क भी आएगा, सारी चीजें आएंगी. सो दीज टू आर द सबसेट ऑफ बी. सो मोर जनरल, मोर ब्रॉडर, मोर सोल्यूशन ओरिएंटेड थिंग इज बी रेदर देन सी और डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. आर्बिट्री कर्व्स ऑन व्हीकल टू रिड्यूस पॉल्यूशन आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इम्प्लीकेशन. ठीक है, आर्बिट्री कर्व्स व्हीकल को, व्हीकल पे जो लगाए जाते हैं आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. यस दे आर डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट. कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं बोल रहा है, बात सही बोल रहा है, प्रैक्टिकल भी है थोड़ी सी, रख सकते हैं अभी इसको. नी जर्क रिएक्शंस कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, बट एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच विल बी मोर इफेक्टिव. यस, सो ऐसा नहीं हो सकता कि कल आपने अनाउंस कर दिया कि ये बैन है, वो बैन है, ठीक है, जो भी आउट आउट जो भी रूल्स वगैरह बीच में आ जाते हैं. तो नी जर्क रिएक्शंस वोंट सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ओनली द एविडेंस बेस्ड अप्रोच विल बी मोर इफेक्टिव, है ना, डेटा बेस्ड. तो ये बात तो सही बोल रहा है. अभी तक ए से बेटर है स्टेटमेंट बी. हैवी पेनल्टी शुड बी एनफोर्स ऑन दोज ड्राइविंग विदाउट पीरियोडिक. मतलब बहुत नैरो सोल्यूशन दे रहा है कि पॉल्यूशन का एक सोल्यूशन ये है कि हैवी पेनल्टी लगाओ, वो भी किस पे, पीरियोडिक पॉल्यूशन टेस्ट नहीं कर रहे हैं उस पे. मतलब कुछ भी चल रहा है, मतलब आई वुड से दिस इज एलिमिनेटेड डायरेक्टली. इन द एब्सेंस ऑफ लॉस टू डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन द एडमिनिस्ट्रेशन टेंड टू मेक आर्बिट्री डिसीजन. बोल रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ लॉस जब होते हैं तो आर्बिट्री डिसीजंस लेता है एडमिनिस्ट्रेशन. आई वुड से जब प्रेजेंस ऑफ लॉ में भी तो आर्बिट्री लिए जाते हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एब्सेंस ऑफ लॉ में ही लिए जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ लॉ भी होगा. आज इतने सारे लॉज हैं एनवायरमेंट के, स्टिल दे आर सम आर्बिट्री डिसीजंस. डी एलिमिनेटेड. नाउ कमिंग टू ए एंड बी. बी इज मोर ब्रॉडर रैशनल लॉजिकल एंड ए इज वेरी नैरो, और मतलब इट्स नॉट अ सोल्यूशन ऑल्सो, इट्स नॉट अ क्रक्स ऑल्सो. क्रक्स की बात हो रही है, नॉर्मली लॉजिकल रैशनल. सो बी इज मोर अप्रोप्रिएट. इट इज इम्पॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू इंश्योर एक्सेस टू द गुड एक्सटर्नल. एजेंडा तो है, इम्पॉर्टेंट कितना है ये कहा नहीं जा सकता, बट यस दे वॉन्ट टू इंश्योर सम गुड एक्सटर्नल फाइनेंस. ठीक है, कितना इम्पॉर्टेंट है ये अभी बोल नहीं. गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इम्प्रूव द क्रेडिबिलिटी ऑफ द फर्म. यस दे इम्प्रूव दैट. ठीक है, अगर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगा जीएस नॉलेज के हिसाब से, इट विल इम्प्रूव द ट्रस्ट, इट विल इम्प्रूव द क्रेडिबिलिटी. मोर कन्विंसिंग स्टेटमेंट अभी तक ए से बेटर है. इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट इंश्योर दैट फर्म्स मेंटेन गुड. इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट प्रमोट तो करता है कि लाइक द फर्म शुड मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस सो दैट मोर क्रेडिबल, मोर ट्रस्टवर्दी दे आर, सो मोर पीपल वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन देम, बट कंप्लीटली इंश्योर नहीं कर पाता. दो इट ट्राइज, इट प्रमोट दैट फर्म्स मेंटेन अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बट लेस कन्विंसिंग देन सी. गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेव्स द वे फॉर रोबस्ट सप्लाई. नो, नॉट नेसेसरी. रोबस्ट सप्लाई चेन डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सेट्रा, लॉजिस्टिक कॉस्ट. सो डजेंट मैटर कि कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपना ठीक कर लेगा तो सप्लाई चेन भी सही हो जाएगी. वी हैव सीन इन ग्लोबल सप्लाई चेन ड्यूरिंग कोविड टाइम एक्सेट्रा, यूक्रेन वॉर. ठीक है, सो नाउ कमिंग टू दिस, सो दिस इज मोर कन्विंसिंग बी. ठीक है, फिर भी कन्फ्यूजन है, लेट्स गो टू द पैराग्राफ. इसमें जाना भी चाहिए आप लोग को. गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनकरेजेस कंपनीज टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी. गुड कॉर्पोरेट, ठीक है, फंडामेंटली गुड कॉर्पोरेट हैज मूव्ड ऑन टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंडा. ठीक है, इफेक्टिव गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनहांस एक्सेस टू इंटरनल फाइनेंसिंग. इट्स मोर रिवॉल्विंग अराउंड अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सो इट शुड बी लाइक दैट कि यहाँ पे बी ही आंसर होना चाहिए, बट यूपीएससी आंसर की आएगी तो देखेंगे. हाउएवर बी शुड बी द आंसर. माई आंसर इज बी. 23. होम रेंज ऑफ एलिफेंट नीड्स टू बी अ वास्ट एरिया ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी. यस द
there has to be some biodiversity, rich biodiversity. It will help to elephant. ठीक है अभी रख लेते हैं, एलिमेट नहीं कर सकते इसको. Elephant are keystone species and they benefit the biodiversity. Yes, this is more convincing. This is a better statement. They are keystone species. They help regenerating forests. They help dispersing the seeds. They help controlling the forest, etc., etc. So basically, they are very important species in the forest areas. Rich biodiversity cannot, extreme word ध्यान रखिए, cannot be maintained in the forest without the presence. मतलब एलिफेंट नहीं होंगे तो रिच बायोडाइवर्सिटी हो ही नहीं पाएगी फॉरेस्ट में. तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. देर आर फॉरेस्ट विदाउट एलिफेंट हैविंग रिच बायोडाइवर्सिटी. एलिफेंट्स आर कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट विद द स्पीशीज एज पर देयर रिक्वायरमेंट. जरूरी नहीं कि हर बार एज पर देयर रिक्वायरमेंट वो रीजनरेट कर. एलिफेंट लव्स ईटिंग शुगर केन बट दे कैन नॉट एज पर देयर रिक्वायरमेंट दे कैन रीजनरेट शुगर केन इन द फॉरेस्ट. ठीक है. So, home range, B is the answer. B is more correct. Elephant are the keystone species, benefit the biodiversity. Broader, general, logical, rational statement is B. Home range needs to be vast area. Isn't much convincing. ठीक है. 23B. Collection process, assumption made. Collection process integration should be with government agency. Should be with government agency. जरूरी नहीं है. Only with government agencies, private agencies can also do better. ठीक है. So this is restricting you, this is narrowing down you to only government agency के पास ही रहें. Resource recovery recycling require technological inputs that can be best handled by private sector enterprise. See, private sector enterprise, yes, they have a better capacity for all these things, but it cannot be always right. इंदौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल. ठीक है. पीपीपी प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. सो यू हैव सम बेस्ट प्रैक्टिसेस विच आर नॉट एंटायरली कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर. सो दिस कैन नॉट बी ऑलवेज लॉजिकल और करेक्ट. सो यू कैन नॉट अज्यूम दिस ऑलवेज राइट. सो आवर आंसर शुड बी डी. नाउ कमिंग टू दिस, क्रक्स ऑफ द पैसेज क्या है. जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इज इन एक्सपेंसिव. ऐसा नहीं कहा जा सकता. इट्स ऑलमोस्ट 7-8 रुपीस पर यूनिट. ठीक है. सोलर हाइड्रो इनका 3-4 रुपये 5 रुपये पर यूनिट. सो इन एक्सपेंसिव है ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता. बायोमिथेनेशन इज द मोस्ट आइडियल वे ऑफ जनरेटिंग एनर्जी फ्रॉम मे बी मे नॉट बी. लेट्स कीप दिस. यू कैन नॉट डायरेक्टली एलिमिनेट. मोस्ट आइडियल बोला है, बहुत एक्सट्रीम भी ले जा रहा है. लेट्स सी. Segregation of municipal waste is the first step in ensuring the success of waste to energy. अगर आप segregate ही नहीं करोगे municipal solid waste को तो कुछ हो ही नहीं पाएगा. ठीक है. Even the biomethanation is a most ideal way when the waste is segregated. ठीक है. So without segregation, without this first step, it cannot be done. It is more convincing. See, the biodegradable component of India is not adequate. Word not. ठीक है. एक्सट्रीम वर्ड भी यूज हो रहा है. टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम द वेस्ट एफिशिएंटली और इफेक्टिवली. सी, बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज म्युनिसिपल वेस्ट इज ऑलमोस्ट मोर देन 50%. सो यू कैन नॉट से दैट इट इज नॉट एडिक्वेट. ठीक है. सी इज मोर कन्विंसिंग. सी शुड बी द आंसर. ठीक है. फर्स्ट स्टेप ये नहीं होगा तो फिर कुछ होगा ही नहीं. सो द क्रक्स ऑफ द पैसेज इज दिस अजम्पशन. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली अनसेफ फॉर बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर. अरे ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता. दिस इज़ अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट दैट इट इज़ इनहेरेंटली इननेट बाय नेचर इट इज़ अनसेफ. दिस कैन नॉट बी सेड. वी हैव टू एलिमिनेट फर्स्ट. फार्मर्स एंड कंज्यूमर नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड. यस, दिस इज लॉजिकल रैशनल. जीएस में पढ़ते हो आप लोग. ठीक है. सो बी शुड बी द आंसर. मोस्ट लॉजिकल रैशनल. In India, organic farmers should not, see the extreme word, be promoted as substitute for conventional farming. Extreme statement bol raha hai. Negative. There is no, again, safe organic alternative to chemical fertilizers. Eliminate this. In India, farmers need to be guided and helped to make their organic farming sustainable. Solution, futuristic, broad, theek hai. Logical statement, C. देखते ही लग जाना चाहिए आंसर है. द एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट
बी टू जनरेट ह्यूज प्रॉफिट्स एज देयर इज स्टिल नो ग्लोबल मार्केट. नो ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट तो है ही ना ऑर्गेनिक फार्मिंग का, हाउ कैन यू से दैट. ठीक है, तो डी एलिमेंट्स श्योर शॉर्ट सी आंसर हो गया उसका. फिर और देखते हैं 35. टू इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल SDGs एंड अचीव जीरो हंगर गोल, मोनो कल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर इन एविटेबल इवन इफ दे डू नॉट एड्रेस द मैल न्यूट्रिशन एक्सट्रीम. ठीक है, कट जाना चाहिए कि मतलब मोनो कल्चर प्रैक्टिस नहीं होगा तो मतलब दे वोंट बी एड्रेसिंग SDGs और अगैरह वगैरह जो भी. डिपेंडेंस ऑन फ्यू क्रॉप्स हैज़ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम. यस, मोनोकल्चर हैव इट्स नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, सो यू कैन कीप दिस टू स्टेटमेंट को रख सकते हैं. थर्ड, गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड टू इनकॉपरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. यस, फूड प्लानिंग शुड हैव न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी. थ्री इज ओके. फॉर द प्रेजेंस ऑफ मोनोकल्चर फार्मासिटी, आपने वन एलिमिनेट किया. ठीक है, आप तभी देख लेते हैं. और टू और थ्री आपका सही है, बी हो गया. फोर्थ पढ़ने की जरूरत ही नहीं आप. तो ये हमने ऑलमोस्ट 14-15 क्वेश्चंस कर लिए हैं. फोर्टी टू, लॉजिकल रैशनल. एनहांस एफिशिएंसी टू यूज नाइट्रोजन इज इम्पेरेटिव फॉर बोथ फूड प्रोडक्शन एंड एनवायरनमेंट. यस, नाइट्रोजन की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा दो ताकि कंटामिनेशन पोल्यूशन एनवायरनमेंट ना हो. लॉजिकल बात बोल रहा है, कुछ गलत नहीं बोल रहा. प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी स्टॉप्ड एज इट विल एडवर्सली अफेक्ट ग्लोबल. एक तो नेगेटिव है, कैन नॉट मतलब एक्सट्रीम वर्ड भी आ रहा है, तो ठीक है रख सकते हो, स्टॉप नहीं कर सकते हो. एडवर्सली अफेक्ट करेगा नहीं करेगा ठीक है, बट थोड़ा बहुत चल भी जाएगा. बट एफिशिएंट चलेगा तो चलेगा, मतलब को ग्लोबल फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हो जाएगी. एफिशिएंसी अगर इंप्रूव कर दोगे तुम तो स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है. अल्टरनेटिव टू क्रॉप दैट रिक्वायर्ड एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन शुड बी आइडेंटिफाइड एंड कल्टिवेटेड. जो क्रॉप्स जिसमें नाइट्रोजन कम चाहिए, रिक्वायर एक्सेस ऑफ, वो उनको आइडेंटिफाई, उनको कल्टिवेट करो. तो ये तो कोई सोल्यूशन है नहीं. ठीक है, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर यूजिंग सिंथेटिक शुड बी रिप्लेस विथ एग्रो फॉरेस्ट्री. नो, फिर क्या होगा, प्रोडक्शन गिर जाएगा, फूड सिक्योरिटी थ्रेट में आ जाएगी, तो नथिंग लाइक दैट. ये लॉजिकल है, सोल्यूशन बेस्ड है, प्रैक्टिकल है. ठीक है, 42. तो अब तक हमने करीब 15-1 क्वेश्चंस कर लिए. बाकी 42 के बाद नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट टू में करेंगे. ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस. और बाकी कुछ एक दो स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि सर मैंने 2023 का पेपर किया, 17 मेरे गलत हो गए. मतलब देख लो, ठीक है, ऐसे नहीं होता है गलत, तुमने कुछ गलत किया होगा. ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बेस्ट विशेस.